हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। आशा है आज की लीला आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी और आप लोगों को रोने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। ये घटना घटित हुई है रीता जी के साथ, जो कि एक छोटे से गांव में रहती हैं। रीता जी ने बताया, मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। बचपन से ही हमारे घर लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती थी। हमारे माता पिता लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रेम किया करते हैं। दिन बीतते गए, हम फिर बड़े हो गए। बड़े होने के बाद मैंने अपनी माँ से कहा, लड्डू गोपाल जी की सेवा अब मैं करूँगी, आप घर का काम कर लो, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मैं फिर बड़ी हो गई और कॉलेज मैंने कंप्लीट किया। मैंने बीए करने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद, मेरे माता पिता ने मेरी एक अच्छे से परिवार में शादी कर दी। जिस परिवार में शादी हुई थी वो भी इकलौते बेटे अपने माता पिता के बहुत ही लाडले थे और मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिसके कारण उनको ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ता था। घर पर कम ही लोग थे, हम तीन ही लोग रहते थे, मेरी सासू माँ, ससुर जी और मैं। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मेरा मन नहीं लगने लगा। मुझे लगा पढ़ाई भी बंद कर दी है और घर पर भी ऐसा ज़्यादा कोई काम नहीं होता है, अब घर पर मन भी नहीं लगता है, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रीता जी सोचती थी, मायके में तो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी मैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ख्याल आया क्यों ना मैं लड्डू गोपाल अपने ससुराल ले आऊं सेवा करने के लिए, और लड्डू गोपाल की सेवा में टाइम भी कट जाएगा। और वह अपने मायके जाकर अपनी माँ से बोलती है, क्या मैं ये लड्डू गोपाल अपने घर लेकर जा सकती हूँ माँ? तो माँ बोलती है, तुम्हारे पास तो ससुराल में कितना काम होता है, तुम कैसे लड्डू गोपाल की सेवा कर पाओगी? लेकिन रीता जी नहीं मानी, बार बार अपनी माँ से जिद करने लगी। तो माँ बोली, ठीक है, तुम्हारा मन है ले जाने का तो तुम ले जाओ। अब यहाँ पर एक समस्या होती है, रीता जी लड्डू गोपाल लेने तो चली गई पर ससुराल में किसी से पूछा नहीं होता है। उन्होंने लड्डू गोपाल को लेकर आना चाहती हैं पर वो ये दुविधा में होती हैं, मैंने किसी से पूछा नहीं और मैं लड्डू गोपाल लेने के लिए आई हूँ। ये सब रीता जी ने नहीं सोचा था पहले, और वो अपने मायके से लड्डू गोपाल जी को लेकर आ जाती हैं। जब वह लड्डू गोपाल ससुराल लेकर आईं तो उनके घर में सभी नाराज़ हो गए और सबसे ज़्यादा नाराज़ हुई उनकी सासू माँ। सासू माँ बोली, तुमने पूछा भी नहीं लड्डू गोपाल लाने से पहले, मतलब पूछने का मतलब तो बनता है, मैं घर पर हमेशा ही रहती हूँ, तुम एक बार पूछ कर तो जा सकती थी कि तुम्हें लड्डू गोपाल घर पर लेकर आने हैं, और हमारे घर पर तो हमेशा नॉनवेज ही बनता है और लड्डू गोपाल को वेज का भोग लगाया जाता है, तुम ये सब झंझट क्यों लेकर आई हो, जाओ और अभी लड्डू गोपाल जी को वापस करके आओ। लेकिन रीता जी अपने लड्डू गोपाल जी के वापस करने के लिए मना कर देती हैं। रीता जी सोचती हैं, सभी मेरे मायके में मेरे ससुराल को कितना अच्छा समझते हैं, अगर मैं लड्डू गोपाल जी को वापस करने जाऊंगी तो इससे मेरे ससुराल का बहुत ही बुराई होगी, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। रीता जी सोचती हैं, माँ ने तो पहले ही मना किया था, अब वापस करने जाऊंगी तो उनको बुरा लगेगा। यही सोचकर वह बोलती है, रीता जी मैं भी तो नॉनवेज खाती हूँ, बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं ही सारा सब कुछ इनकी सेवा कर लूँगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पर सासू माँ रीता जी को बार बार मना करती हैं पर रीता जी नहीं मानती हैं। रीता जी मंदिर में ले जाकर लड्डू गोपाल जी की स्थापना करती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लगभग 1.5 महीने तक यही झंझट चलता रहता है। सासू माँ हर रोज़ रीता जी को खरी खोटी सुनाती हैं। रीता जी अपनी ससुराल की बदनामी की वजह से लड्डू गोपाल को वापस भी नहीं देने
जाती हैं, पर मन ही मन सोचती हैं अगर लड्डू गोपाल नहीं लेकर आती तो सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, पहले की तरह ही चलता रहता। क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने ससुराल में अपने किसी से नहीं पूछा, मैं क्यों लेकर आई लड्डू गोपाल जी को, सब मेरी ही गलती है। ये सोचकर मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है। रीता जी सोचने लगी, मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, मैं जो भी मांगती हूँ सब देते हैं, और पति भी बहुत ही अच्छे हैं और कितना प्यार करते हैं, ससुराल में सभी प्यार करते हैं, सिर्फ ये नहीं समझ में आता लड्डू गोपाल जी की सेवा क्यों नहीं करने देते, ऐसा क्या परेशानी है जो सब ढेर। ऐसे ही सासू माँ से झगड़े भरे दिन बीतते रहते हैं, और डेढ़ महीने बाद वह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने के लिए जब देखती हैं मंदिर में लड्डू गोपाल जी नहीं थे। लड्डू गोपाल जी के साथ साथ उनसे जुड़ी हुई उनके वस्त्र, उनके गहने कुछ भी नहीं होते हैं, उनके वस्त्र श्रृंगार भी नहीं होते हैं, जो देखकर रीता जी को समझ नहीं आता ये क्या हुआ और मेरे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए। रीता जी जल्दी जल्दी दौड़ती हुई ससुर जी के कमरे में रूम में जाती हैं और अपने ससुर जी से पूछती हैं, सासू माँ कहाँ है और मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं। उनकी सासू माँ, उनके ससुर जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और ज़ोर से टेबल पर पटक कर बोलते हैं, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को जल में विसर्जन करने के लिए गई हैं। ये बात सुनते ही मानो पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। उनको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों किया सासू माँ ने, मेरी सासू माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ में। रीता जी मन ही मन सोचती हैं, सासू माँ को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, सारी गलती मेरी है, सासू माँ गुस्सा करती थी तो वो कर लेती, पर ये सब उनको नहीं करना चाहिए था लड्डू गोपाल जी के साथ, लड्डू गोपाल जी को विसर्जन नहीं करना चाहिए था, अगर मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं लाती तो ही अच्छा रहता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब मेरे कारण ही हो रहा है, मैंने उनका बचपन से ही सेवा किया था और घर में मन नहीं लगता था और समझ में नहीं आ रहा था, दिन भी नहीं कटता था, इसलिए मैं लाला को अपने साथ ले आई, मेरी गलती है, मेरी गलती की सज़ा लड्डू गोपाल को भुगतनी पड़ रही है। जब कुछ देर बाद उनकी सासू माँ घर आती हैं तो वह बार बार पूछती हैं, लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं, क्या आपने उनको विसर्जन कर दिया है, जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं, वहीं उनको होना चाहिए। उनकी सासू माँ ऐसे बोलती हैं, मैं लड्डू गोपाल को विसर्जन कर दिया है, अगर तुम मुझसे पूछ कर लेने जाती तो शायद मैं लड्डू गोपाल को नहीं लाने देती और ये सब नहीं होता, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था तुम नहीं मानी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर रीता जी ने बताया लड्डू गोपाल जी के जाने के बाद मानो मेरा जीवन ही रुक गया था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और मैंने सारे दिन रोटी पानी सब छोड़ दिया था, मानो ऐसी हो गई थी जैसे एक जिंदा लाश बनकर मैं रह गई हूँ। फिर मेरे पति आए कुछ दिन बाद, तब उन्होंने मुझे समझाया तो मेरा मन ही नहीं लगता था बिल्कुल भी पूजा पाठ में किसी भी चीज़ में, और मैं सारा दिन यही सोचती रहती काश मेरे लड्डू गोपाल वापस आ जाएं, लड्डू गोपाल जी को मेरी वजह से विसर्जित होना पड़ा, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। सासू माँ और ससुर जी ने से मैंने बात करना भी बंद कर दिया था। दिन बीतते जा रहे थे, फिर एक दिन एक अद्भुत घटना घटती है और जिससे मेरी जीवन ही बदल जाता है। अचानक से मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड ने फ़ोन किया और पूछने लगती हैं रीता जी आजकल क्या कर रही हो, कुछ भी नहीं यार, घर पर बैठी बैठी बोर हो रही हूँ। मेरी फ्रेंड बोलती है चलो कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं, तुमने और मैंने साथ में ही दोनों ने बीए किया था, घर पर बैठने से तो अच्छा है। उनकी फ्रेंड फ़ोन रख देती है और रीता जी सोचती हैं कि मैंने बिना बताए लड्डू गोपाल घर पर लाए थे तो इतना बवाल हुआ था, अब अगर मैं कॉलेज में एडमिशन लेती हूँ तो सासू माँ पता नहीं क्या बवाल करेंगी, एक बार मैं उनसे पूछती हूँ उसके बाद ही मैं तुझे बताती हूँ, तो ऐसा कहकर अपनी फ्रेंड से फ़ोन रख देती हैं। रीता जी अपनी सासू माँ के पास जाकर बोलती हैं, मम्मी जी मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ,
मैं अपनी कॉलेज कंप्लीट करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर उनकी सासू माँ बहुत ही खुश होती हैं और बोलती हैं, इतने दिनों में तुमने एक ठीक सा कोई डिसीजन लिया है, अच्छी बात है, कॉलेज कंप्लीट कर लो। सिर्फ लड्डू गोपाल के पीछे ही टाइम ख़राब करती रही, अगर पहले ही ये सब पढ़ाई का दिमाग में आ जाता तो कितना अच्छा होता, इतना टाइम ख़राब ना होता। ठीक है, रीता जी अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहुत ही खुश होती हैं, जिसकी उनको उम्मीद भी नहीं थी। मुझे तो लगा था कि सासू माँ राजी नहीं होंगी और बहुत गुस्सा करेंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि सासू माँ तो और खुश हो गईं ये सब सुनकर। रीता जी अगले दिन कॉलेज जाकर अपनी बाकी की फ्रेंड से मिलती हैं। दिन बीतते गए और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी हो गए। जब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो अपनी उसी फ्रेंड के साथ कॉलेज आती जाती और उसकी फ्रेंड अपने भाई के बर्थडे में इनवाइट करती है। बोलती है, रीता कल मेरे भाई का जन्मदिन है और तुम ज़रूर आना। रीता बोलती है, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा कोई भाई भी है, मैं तो काफ़ी बार तुम्हारे घर गई हूँ, कभी मिलाया भी नहीं। तो उनकी फ्रेंड बोलती है, यही तो सरप्राइज़ है, तुम आना ज़रूर, फिर मैं अपने भाई से आपको मिलाती हूँ। रीता जी बोलती है, ठीक है मैं ज़रूर आऊँगी। अपने घर जाकर बोलती है अपनी सासू माँ से, कल मेरी फ्रेंड के भाई का जन्मदिन है, क्या मैं कल जा सकती हूँ? तो सासू माँ बोलती हैं, ठीक है तुम चली जाना। और अगले दिन तैयार होकर रीता जी अपने फ्रेंड के भाई के जन्मदिन में चली जाती हैं। फ्रेंड के घर जाते ही देखती हैं घर को बहुत सारे अच्छे से सजाया गया होता है। रीता जी बहुत खुश हो जाती हैं और आगे बढ़ती हुई देखती हैं चारों तरफ से घेर कर लोग खड़े हुए हैं। फिर रीता जी ने सोचा, यहाँ पर ऐसा भीड़ क्यों लगा रखी है, ऐसा क्या है जो इतनी भीड़ लगा रखी है, देखो तो जरा। जब वो भीड़ में घुस कर गई तब देखा तो उनके होश उड़ जाते हैं। रीता जी देखती हैं एक टेबल पर बड़ा सा केक रखा है और केक के पास ही लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, और वो लड्डू गोपाल जी कोई और नहीं रीता जी के ही लड्डू गोपाल होते हैं। और लड्डू गोपाल का बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ होता है, वो बहुत प्यारे लगते हैं। लड्डू गोपाल जी ये सब रीता जी देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके आंसू झरझर बहने लगते हैं। पहले तो लगा ये कोई और लड्डू गोपाल जी हैं, पर ध्यान से देखने के बाद यकीन होता है वो फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताती, बर्थडे पार्टी करती हैं और लास्ट में अपनी फ्रेंड से पूछती हैं, आपने ये लड्डू गोपाल कब लाया, मुझे तो बताया भी नहीं, तेरे घर पे लड्डू गोपाल जी भी हैं। जब उनकी फ्रेंड बताती हैं ये सुनकर रीता जी के तो होश ही उड़ जाते हैं। एक आंटी जी लड्डू गोपाल को नदी किनारे लेकर आईं और उनके पास लड्डू गोपाल जी का सारा सामान था। तो मैंने पूछा, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने आई हैं? तो आंटी जी ने कहा, नहीं मैं इन्हें विसर्जन करने के लिए आई हूँ, क्योंकि घर पर कोई नहीं होता है, मैं अकेली ही रहती हूँ तो इनकी सेवा नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं इनको विसर्जित करने आई हूँ, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं इन लड्डू गोपाल को विसर्जन करने के लिए आई हूँ। मैंने आंटी जी से कहा, आप विसर्जित मत कीजिए, मुझे दे दो ये लड्डू गोपाल जी, मुझे लड्डू गोपाल बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कब से सोच रही थी अपने घर लड्डू गोपाल जी लाने की, लेकिन शायद ये लड्डू गोपाल जी मेरे ही घर आना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे दे दो ये लड्डू गोपाल जी। तो आंटी जी लड्डू गोपाल जी उनका सारा सामान मुझे दे देती हैं और ऐसे ही बहुत चमत्कार से लड्डू गोपाल जी हमारे घर आते हैं। पर रीता जी अपनी फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताती। जो सासू माँ रीता जी को इतना प्यार करती हैं, वो नहीं चाहती थी कि उन सासू माँ की बदनामी हो, और उसके बाद वापस घर चली आती हैं। और रीता जी बीच बीच में अपने फ्रेंड के घर जाती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर जाती हैं, जो उनकी फ्रेंड बोलती हैं, तू मेरे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती है ना? तो रीता जी बोलती हैं, हाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल को। यही है रीता जी के जीवन की सच्ची घटना। पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उनकी सासू माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर लड्डू गोपाल जी ने रीता जी की सासू माँ को माध्यम बनाया, क्योंकि वह उनकी फ्रेंड के घर जाना चाहते थे, उनका भाई बनकर वो जिनके पास जाना चाहते हैं वो स्वयं ही चले जाते हैं, जिससे लड्डू गोपाल को सेवा लेनी होती है वो उनके घर स्वतः ही चले जाते हैं, और उनके घर में सात्विक भोजन भी बनता था, इसलिए वो
बहुत ही खुश थे लड्डू गोपाल, और जहाँ उनको जाना चाहिए था वो वहाँ स्वयं ही चले गए लड्डू गोपाल, इसलिए वो खुद ही पहुँच जाते हैं। इसलिए इसमें दोष किसी का भी नहीं, ये सब स्वयं ठाकुर जी की ही लीला है। आप बताइए ये कथा लीला आप सभी लोगों को कैसी लगी। आप सभी लोग ये लीला शेयर करें और भक्तों को और ठाकुर जी की कृपा पाएं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये ठाकुर जी की लीला, और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस और ठाकुर जी की लीला देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और ठाकुर जी की कृपा आप पर सभी पर बनी रहे। राधे राधे।